हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार। देश में बेरोजगारी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है, जिससे जनता को राहत नहीं मिल पा रही है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि कांग्रेस शासित राज्य ने देश में मिसाल कायम की है। जी हां, CMIE ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो यही बताते हैं कि बीजेपी राज्य में हाहाकार है, जबकि कांग्रेस में सुधार हो रहा है। तो किस राज्य में कैसा है हाल, देखिए इस रिपोर्ट में। महामारी के दौर ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। एक तरफ आर्थिक समस्या है तो दूसरी तरफ बेरोजगारी है। देश में करीब 2 करोड़ लोगों का रोजगार जा चुका है, जिससे जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। युवा बार बार कह रहे हैं कि सरकार रोजगार दो, कुछ तो काम दो, लेकिन बीजेपी शासित राज्य सुनने को तैयार ही नहीं है। तभी तो आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ ने देश में मिसाल कायम की है। CMIE के ताजा आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी की दर छत्तीसगढ़ में 2% है, जो देश के बड़े विकसित राज्यों से काफी कम है। बिहार में 11.9%, हरियाणा में 19.1%, महाराष्ट्र में 4.5%, पश्चिम बंगाल में 9.3%, उत्तर प्रदेश में 4.2%, झारखंड में 8.2%, ओडिशा में 2.1%, मध्य प्रदेश में 3.9% रही है। ये आंकड़े साफ बयां कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी बीजेपी शासित बिहार और हरियाणा में है, जबकि छत्तीसगढ़ रोजगार देने में आगे है। इसके पहले छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर जून महीने में 14.4 से घटकर जुलाई में 9% के स्तर पर आ गई थी। महामारी में भी राज्य में लोगों को आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर रखा गया। छत्तीसगढ़ की कामयाबी और इन आंकड़ों से शायद बीजेपी की नींद खुलेगी, क्योंकि पिछले कई महीनों से सरकार आंकड़ों को देख कर भी अनदेखा कर रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने कहा था कि अप्रैल अगस्त के दौरान लगभग 2.1 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी। इसमें से अगस्त में लगभग 33 लाख नौकरियां गई और जुलाई में 48 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी। CMIE ने कहा कि नौकरी का नुकसान केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच सहायक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें औद्योगिक कर्मचारी और बड़े कर्मचारी भी शामिल हैं। साल 2019 से 20 के पूरे साल की तुलना में अगस्त में वेतनभोगी नौकरियां देश में 8.6 करोड़ से घटकर 6.5 करोड़ हो गई हैं। इनके बाद भी सरकार को समझ नहीं आई और आज नौबत ये है कि बीजेपी शासित राज्य फिसड्डी हो गए।